इंदौर में बढ़ते कोरोना को लेकर अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की पर्याप्त सुविधा हो इसके लिए संभाग आयुक्त पवन कुमार शर्मा द्वारा एमजीएम कॉलेज में बैठक ली गई। इस बैठक में मंत्री तुलसीराम सिलावट भी मौजूद रहे। इस दौरान संभाग आयुक्त ने बताया कि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया है कि किस तरह से ज़्यादा कोरोना मरीजों को अच्छी सुविधाएँ मिल सके, क्योंकि डॉक्टरों द्वारा मरीजों की रात दिन कड़ी मेहनत से सेवा की जा रही है। वहीं हमारे द्वारा भी मरीजों को बेड उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबंध हैं। किस तरह से अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए, इस पूरे मामले पर विस्तृत समीक्षा की गई। संभागायुक्त ने बताया कि इंदौर के चाचा नेहरू हॉस्पिटल में भी बेड की सुविधा आरंभ कर दी गई है, ताकि ज़िले के बाहर से आए हुए मरीजों को भी अच्छी सुविधा मिल सके, क्योंकि 800 बेड इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में मिले हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो रेलवे से भी लिया जाएगा। वहीं रेमडेसिविर वैक्सीन को लेकर संभागायुक्त ने कहा कि यह डॉक्टर और मरीज के बीच का मामला है, इसमें कुछ बोल नहीं सकते। जहाँ तक कि ऑक्सीजन की बात है, फिलहाल इंदौर के सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है और इसकी सप्लाई निरंतर जारी है। सर, कोरोना को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, मंत्री तुलसी सिलावट भी शामिल थे, क्या कुछ डिसीजन लिए गए हैं और क्या कुछ बातचीत हुई है? एक्चुअली आप देख रहे हैं कि अभी पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, उसी के लिए अपने व्यवस्थाओं को और ज्यादा बेटर करने के लिए बैठक रहती है। हमारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात रात दो दो बजे, तीन तीन बजे, चार चार बजे मरीज आ रहे हैं। अपन सबको सर्वश्रेष्ठ इलाज और बेड दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, उसी में कि बेड्स और कहाँ पे बढ़ाए जा सके। जैसे हम चाचा नेहरू को भी कल से आरंभ कर रहे हैं, बेड्स की संख्या कैसे बढ़ा सके, उसी के संदर्भ में बैठक ली गई थी और अपन अधिक से अधिक बेड करके ताकि हमारे सभी मरीजों को उपलब्ध हो जाए। सर, ऑक्सीजन और जो चुनौती है, हम समझ पूरे शासन सब इसमें लगा है, बस इसलिए बोलते हैं। सर, बेड की, ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर की तीनों की व्यवस्था कर रहे हैं, इसी हर मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ऑक्सीजन पूरी है, रेमडेसिविर की व्यवस्था कर रहे हैं और बेड की व्यवस्था। तुलसीदास संजीव जाकर वहाँ राजनीति करने जा रहे थे, किस तरह की? अरे यार देखो, अभी ऐसे समय हमें उसी पर दुख है, ये संकट का समय है, इसमें राजनीति करना चाहिए कि सहयोग करना चाहिए? मैं आपसे पूछती हूँ, ये राजनीति करने का विधि वक्त नहीं है, सेवा करने का वक्त है। सर, लगाया जाएगा क्या इस तरीके के? अरे रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।